ए होछि केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को राज्य सरकार को चिट्ठी एथिरे राजेश भूषण लिखिछंती 27 मार्च सुधा राज्य को 34,46,760 डोज टीका आसी जोथिरु 21,67,956 लोकं को 22,97,431 डोज दिया सरिछि। बाकी 11,49,329 डोज ओडिशा पाखरे अछि। प्रतिदिन टीकाकरण समीक्षा कराउथुवा बळे गत 3 दिन भितरे राज्य रे 2,07,239 लोकंकु टीका दिया जाइछि। ए हिसाब रे देखिले दिनकु 69,079 लोकंकु टीका दिया जाउछि। तेबे राज्य को पुणी 5,48,250 डोज टीका मार्च 28 तारीख सुधा पहुंचिबो बोली मध्य लिखिछंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव। एथिसहित राज्य सरकार आनिथिबा पातर अंतर अभियोग रे कोनोसी सत्यता नथिबा कहिछंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव। तेबे 26 तारीख रे राज्य स्वास्थ्य सचिव पीके महापात्र केंद्र स्वास्थ्य सचिव को लिखिथिले टीका जोगाण रे बाछ विचार करा न जाउ। सेपटे राज्य सरकार को पक्षरु टीका को नहीं एभली राजनीति कराजिबा प्रसंग रे वर्षिछि बीजेपी। राज्य स्वास्थ्य सचिव सचिवों भली नुहे बरम जणे राजनेतांक भली भाषा रे केंद्र को चिठी लिखिथिबा अभियोग करिछि बीजेपी। से तुरंत एभली चिठी लिखिथिबा कारण रु क्षमा प्रार्थना करंतु एवं भित्तिभूमि को सुदृढ़ करंतु जहाद्वारा ओडिशा रे लोक अधिका टीका पाई परबे। आपण पाखरे 17 लाख टीका अछि आपण दियंतु आपण को कोनोसी जगह रे कोआ जाइनी दिन को 70,000 देबे बा 2 लाख देबे आपण 3 लाख भी देई परबे। आपण पाखरे जेते कैपेसिटी आपण देई परबे। केंद्र सरकार आपण को आश्वस्त करिसेंती जे जेते दरकार आमे सेते जोगेइबू। ए प्रसंग रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सह कथा हेबा सहित ओडिशा पाई टीका रा अभाव नथिबा ट्वीट जोगे सूचना देइछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।